नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा का जो है यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो 31/1/1999 को कराया गया था। आज हम लोग इसमें जो है सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद है कि आप इससे पहले का वीडियो देखे होंगे, आप उससे पसंद जरूर किए होंगे। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। इसमें जो है आपका कुल जो है 100 प्रश्न दिया गया है, जिसके जिस का प्रश्न दिया गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो दिन और रात जो होते हैं ये पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। किसके कारण? तो पृथ्वी के घूमने के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर देगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो यह बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा, जो सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, बुध ग्रह। और चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री पूछा जा रहा है, तो मेजर यूरी गागरिन जो था यह पहला अंतरिक्ष यात्री था, यानी कि एक इसका राइट आंसर देगा। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग जो था यह चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति था, और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो एड्रिन था। ये दोनों ने जो है एक साथ चंद्रमा पर गया था। और सबसे पहले पहला पैर जो है चंद्रमा पर किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है मिश्रण नहीं है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो यह हो जाएगा हीरा। हीरा जो है ये मिश्रण नहीं है, यह जो है कार्बन का अपरूप है, जबकि चीनी जो होता है पानी और जल का मिश्रण होता है, साधारण नमक भी मिश्रण होता है, प्लास्टर और पेरिस भी मिश्रण है, जबकि हीरा जो मिश्रण नहीं है। तो पानी में फिटकरी मिलाई जाती है किसके कारण? तो पानी में जो फिटकरी मिलाई जाती है इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए जो है पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो तापमान के समान रूप से बढ़ने पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो सबसे जो है अधिक फैलती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गैस जो है सबसे अधिक फैलती है। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो बादलों की गरज सुनाई देने से पहले जो है बिजली की चमक दिखाई देने का कारण क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रकाश की गति से ध्वनि की गति कम होती है। क्या होती है? कि प्रकाश की गति से जो है ध्वनि की गति क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की गति जो है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जो ध्वनि की गति जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसीलिए जो है यानी कि ध्वनि जो है बाद में सुनाई देता है, अब प्रकाश जो है सबसे पहले दिखाई देता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो। प्रकाश की गति क्या होता है? ध्वनि से ज़्यादा होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि श्रृंगार मेज, जो श्रृंगार करने वाला मेज होता है, यह किस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल करते हैं? तो श्रृंगार मेज में जो होता है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल मन क्या होता है? यह कि बड़ा उसमें दिखाई देता है। हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ENT विशेषज्ञ होते हैं जो कान गला और थ्रोट का जो है इलाज करने वाले डॉक्टर जो होते थे, ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि साधारणतया जो उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में सभी लोग जानते हैं कि कौन सी गैस भरी होती है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है यह जो है भरी जाती है बिजली के बल्ब में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है यह हेनरी बेकुरेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, हेनरी बेकुरेल के द्वारा। किसी उपकरण की लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? तो किसी उपकरण की लघुतम इकाई को क्या कहता है? तो इसे जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से किसी भी जो है उपकरण के लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस तुला पर एक बाल्टी जो है पानी लंबित है, यदि लोहे का एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तेल स्पर्श किए हुए पानी में डूब जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो उस पर जो प्रभाव पड़ेगा किस प्रकार से?
तो बैलेंस तुला अधिक वजन दर्शाएगा। क्या होगा कि बैलेंस तुला जो है अधिक वजन दर्शाएगा, इसके कारण जो है रीडिंग का प्रभाव पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो लोच का सर्वोच्च गुणांक किस में होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इस्पात में। इस्पात जो सबसे अधिक लोचदार होता है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो बर्फ तो जल स्तर क्या होगा? तो जल से बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा? तो समान रहेगा। तो 14 का आपका 3 होगा, जल स्तर समान रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी होता है, अर्थ किसके आयतन के है? तो अर्थ किसके आयतन से है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, या 1 लीटर गैस के आयतन से है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण अनुरूप होता है किसके? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है किसके अनुरूप होता है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा पिंड संरचना के नियम से, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? तो यह अवधारणा किसने दिया था? तो यह आपका इसका राइट आंसर होगा एस्टोनी ने। एस्टोनी एक वैज्ञानिक था जिन्होंने जो है यह व्यक्त किया कि चार्ज की अवधारणा मैटर से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है बिजली को ठोस के रूप में जोड़ सकती है? तो बिजली को जो है ठोस के रूप में जोड़ सकती है, तो आपका इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन चीज़ जो है बिजली को ठोस के रूप में जोड़ सकती है? तो आपका एक इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमेशा जब पूर्ण संख्या में रहता है? तो पूर्ण संख्या में कौन रहता है? तो सही उत्तर देगा परमाणविक संख्या। परमाणविक संख्या जो है पूर्ण रूप में रहता है। समान तापक्रम एवं दबाव में स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? तो यह कथन दिया था ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एवोगाड्रो द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक सक देता है, इस मिश्रण का नाम क्या है? तो दोस्तों इस मिश्रण का नाम क्या है? तो सही उत्तर जगह 21 का 2 हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे 20 हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे 22 नंबर दिया गया है कि बाह्यकार लक्षण होते हैं, तो एक्सटर्नल जो ईयर होते हैं किसके लक्षण होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 हो जाएगा, यानी कि स्तनपायियों के जो कान होते हैं बाहर होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, ये सभी क्या हैं? स्तनपायी हैं, जिसके कान क्या होते हैं? बाहर होते हैं, सभी जानवर हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि पाश्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो पाश्चुराइजेशन जो होता है यह दूध को किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि 62 डिग्री पर जो है 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। 62 डिग्री तापमान पर जो दूध को जो 30 मिनट तक गर्म करते हैं और अचानक जो है ठंडा कर दिया जाता है, उसी को जो है पाश्चुराइजेशन कहते हैं, और पैक करके जो मार्केट में बेचा जाता है ताकि जो दूध सुरक्षित रहे। फूलगोभी का अंश जो खाया जाता है किस उसे क्या कहते हैं? तो फूलगोभी का कौन सा अंश खाते हैं? तो पुष्प रचना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। कपास के रेशे मिलते हैं तो बीज से प्राप्त होते हैं, कपास किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है कहाँ से? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो 26 का आपका राइट आंसर होगा जल से आता है। जल में क्या होता है कि H2O होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से। अल्कोहल फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद है किसमें? तो अल्कोहल का फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इथाइल अल्कोहल तथा लैक्टिक एसिड में हो जाएगा। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो एंजाइम जो है वायरस में अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तिलचट्टे के मुँह का भाग उपयुक्त होता है कैसा? तो तिलचट्टे का जो मुँह का भाग होता है एक ऐसा होता है, तो यह आपका राइट आंसर होगा काटने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में टिड्डी दल के अंडे देती है, भारत में टिड्डी दल अंडे देती है, प्रजनन करती है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में यह जन्म देती है। विकास सिद्धांत क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किया जाता है, तो विकासवाद का सिद्धांत जो किसने दिया था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चार्ल्स डार्विन के द्वारा है विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था, तो ये याद रखेगा। पशु की पहली जाति जो पाली जाई गई प्रतीत होती है वह थी कौन? तो पशु की पहली जाति जो पाली गई थी, तो पालने वाला पूछा जा रहा है, तो सही आपका राइट आंसर करेगा तो 32 को जगह 2, बकरी जो है और भेड़, बकरी और भेड़ जो है ये पाली जाने वाली ये थी, बकरी और भेड़, तो याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि पालतू जानवर किसको बनाया गया था, तो पालतू बनाया गया था कुत्ता को, लेकिन यहाँ पे पशु की पहली जाति जो पाली गई जाती पाली गई प्रतीत होती है, तो बकरी को पाला गया था जबकि कुत्ता को पाला नहीं गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया था मान्यता कब? तो सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, गाड़ी खींचने के लिए। अब सबसे पहले पहिया किसका बनाया गया था? तो याद रखिएगा लोहा का नहीं बनाया गया था, लकड़ी को बनाया गया था, क्योंकि जब पेड़ होता था इस प्रकार से तो उसको यहाँ से काट दिया था, वो लकड़ी अपने गोल बन जाती थी। जैसे जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, तो जैन धर्म के लोग मानते थे कि जैन धर्म के अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, तीर्थंकर लोग मानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा 34, सॉरी सही आपका उत्तर 35 का 4 हो जाएगा, यरूशलम। यरूशलम जो है यहूदियों ईसाइयों तथा इस्लाम का पवित्र स्थान माना गया है यरूशलम में, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह जो है अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसी कारण जो है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ इसे कहलाए थे। जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जातीय संघ का सदस्य बनने नहीं दिया वे थे कौन? तो जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जातीय संघ का सदस्य नहीं बनने दिया तो वे कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है यह 1998 में किया था, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर है 1998 में। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो यह पहला देश था उस समय, ऑप्शन नंबर जगह 1, भारत था। अगला प्रश्न दिया गया है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक आम सभा आयोजित की गई थी, तो किसके कारण जो है सभा आयोजित किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर जगह लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जगह। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। INA का गठन कब हुआ था? तो INA का जो गठन कब हुआ था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सिंगापुर में जो है किया गया था INA का, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत जो है यह राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल जो होता है उसका गठन जो है यह केंद्रीय मंत्रीगण की सिफारिश पर किया जाता है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, तो 45 का राइट आंसर होगा संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, कितना वर्ष? 25 वर्ष, तो ये याद रखिएगा। और जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो यह राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की सिफारिश पर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस किस नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, राज्यपाल इसका अधिशासी प्रधान होता है। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है यह किया गया था 1959 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो यह राजस्थान में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा के द्वारा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? तो जनता के द्वारा शासन करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, जनता का शासन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसियां उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बेहतर सेवा करती हैं? तो बेहतर सेवा करती है तो रेडियो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। रेडियो जो एक एजेंसी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था कब? तो राष्ट्रसंघ जो अस्तित्व में कब आया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1, 24 अक्टूबर 1945 को जो है राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है? तो पड़ोसी पूछा जा रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, चीन जो है पड़ोसी नहीं है, जबकि बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है पड़ोसी है। निम्नलिखित में से कौन जो है बादल कुहासा व कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है? तो मदद नहीं करता है तो यह हो जाएगा पराग के कण। ऑप्शन नंबर जो है पराग कण जो है यह मदद नहीं करता है। उल्का वातावरण में हैं, तो उल्का जो वातावरण में कैसे होते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। उल्का वातावरण में होते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है यानी कि एस्टेरॉयड जो होते हैं उल्का पिंड जो है आते हैं और जो है वायुमंडल में आते हैं क्या होता है जलने लगते हैं घर्षण के कारण। एक नदी जो है ढालूदार चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है, तो एक नदी जो है ढालूदार और चिकनी जो है ढालू बनाती है तो ये कहाँ बनाती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो अपने मुहाने पर, जहाँ वह पानी गिरती है उसमें अपने मुहाने पर जो है एक नदी ढालूदार और चिकनी चौड़ी घाटी बनाती है। निम्नलिखित में से किसके जल के लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है? तो सबसे अधिक नमकीन जो जल कौन जाएगा? तो मृत सागर का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को जो क्या कहते हैं? तो एक झरना कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर है, झरना के रूप में कहते हैं। जल का बल्क वाष्पीकरण होता है, जल का बल्क किसके वाष्पीकरण होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि महासागरों में जल का एक बल्क वाष्पीकरण होता है महासागरों में। निम्नलिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो नमकीन जल को शुद्ध जल बदलने की कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा 63 की आपका ऑप्शन नंबर 1, वाष्पीकरण के द्वारा, जिसको शुद्ध किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है? तो 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर पूछा जा रहा है, तो विषुवत रेखा पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा किसके कारण? तो नमी की कमी के कारण। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं नमी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खदान पैदा करता है तथा दूसरे जरूरतमंद देशों को निर्यात भी करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह सबसे ज़्यादा खदान पैदा करता है और जिससे जरूरत होती है उस देश को भी निर्यात भी करता है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो एस्किमो एक जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका इसका सही उत्तर देगा शिकार करना व मछली मारना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस खनिज का पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4,
पेट्रोलियम खनिज का। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? तो कुटीर उद्योग जो है जो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उसी को जो है कुटीर उद्योग कहते हैं। मिट्टी की पहचान होती है किसके कारण? तो मिट्टी की पहचान होती है उसकी किसके कारण? तो सही उत्तर देगा बनावट व रंग के द्वारा। बनावट और रंग के द्वारा जो है मिट्टी की पहचान होती है। मिट्टी को जो है 8 भागों में बांटा गया है। भारत में कितनी मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अर्हस्ट हाइल USAR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत ने अपना पहला जो उपग्रह अर्हस्ट हाइल जो है USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो है यह USA के सहयोग से यानी कि US रूस के सहयोग से जो है छोड़ा गया था, रूस के सहयोग से। लोहे में जंग लगने की आवश्यक स्थिति क्या है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो ये टी का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल एवं ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर जो है ए टी का हो जाएगा जल एवं ऑक्सीजन के कारण जो है लोहे में जंग लग जाता है। गया एक धार्मिक स्थान है, यह स्थित है कहाँ पे? तो गया एक धार्मिक स्थान है बौद्धों का, तो यह स्थित कहाँ है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है? तो बिहार में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाह, इसी को लाख कहते हैं, लाख उत्पादन होता है कहाँ पे? तो लाह उत्पादन होता है, तो सही उत्तर देगा 82 का आपका राइट आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में यह उत्पादन किया जाता है। तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है कहाँ पे? तो तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? यह जो है बलुई मिट्टी में उपजता है। कहाँ पे? बलुई मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर देगा। आंसोल प्रसिद्ध है कहाँ पे? तो आंसोल जो है यह पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, किस लिए? तो 84 का आपका राइट आंसर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोयले की खानों के लिए। आंसोल में जो है कोयला की खाने जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुख्यतः सिंचाई का साधन क्या है? तो भारत में मुख्यतः सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल व्यवस्था है, तो भारतीय रेल व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो यह आपका हो जाएगा एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारतीय रेल जो है यह एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती होता है, वायु परिवहन जो रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती होता है इसका कारण क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है वायु परिवहन और रेल की अपेक्षा अधिक किफायती होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? 89 का 2 हो जाएगा चीन में। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। भारत में कपास कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है कपास उत्पादन किया जाता है। भारत से जो निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है? तो भारत से किस बीमारी का उन्मूलन यानी खत्म हो गया? तो चेचक को खत्म कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई को रोकना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का अपाक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अधिक लागत के कारण, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का एक उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो पेट्रोलियम का एक उत्पादक नहीं है? तो 93 का आपका राइट आंसर होगा 4 जगह अमोनिया। अमोनिया जो है यह पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, जबकि नेफ्था, पैराफिन वैक्स और एनिलीन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो 94 का आपका राइट आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है यह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वातावरण इसी को पर्यावरण पर परमाणु का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो पर्यावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर जो है कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है नगरों में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नगरों में जो अधिक औद्योगिक क्षेत्र से कल कारखाने होते हैं।
झीलों के अम्लीय होने का कारण क्या है? तो झील जो होते हैं अम्लीय होने का कारण क्या होता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर जगह। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल की निकासी की जानी चाहिए, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो शोधन के पश्चात। जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल को निकासी जो है शोधन के पश्चात की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जगह। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो उसे जो कहते हैं विकसित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जगह। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो विकसित क्षेत्र कहते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो अमरनाथ गुफा जो है ये सभी लोग जानते हैं कि ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर जगह। नागा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, तो नागा पर्वत चोटी जो है यह हिमालय में स्थित है। कहाँ पे, हिमालय में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर 7 समाप्त होता है, ये प्रीवियस ईयर का सेट चलाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।